हेलो, कैसे हो? तो अब ये आ गया हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है? अब यहाँ से हम साइकोलॉजिकल लेसन लेंगे अपना ट्रेडिंग के लिए, और यहाँ से फटाक बाहर हो लेंगे, ठीक है? सो वी आर इन हेयर व्हाट इंटरेस्ट अस। तो अब यहाँ से आगे ध्यान से देखना, हम फिर मिलते हैं दोबारा।孤立立っていても、じきに飛んでくる岩を浴びるだけだ。すぐさま準備に取り掛かる。俺たちは、今から、死ぬんですか？そうだ。どうせ死ぬなら最後に戦って、死ねということですか？そうだ。So this is realization of death, ठीक है? And अगर trading के context में बात करें, जब एक इंसान, जब एक बंदा ट्रेड लेता है हीरो ज़ीरो का, ही नोज़ कि या तो वो ज़ीरो बन जाएगा या वो हीरो बन जाएगा इस ट्रेड के अंदर। एंड मोस्टली जो बिगनर ट्रेडर होते हैं उनके लिए तो सारे ट्रेड ही हीरो ज़ीरो होते हैं। या どうせ死ぬならどうやって死のうと命令に背いて死のうと意味なんかないですよね。全くその通りだ。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないの。जब ये पूछ रहा है कि क्या मतलब अब हम डेथ की तरफ जा रहे हैं, एंड ही सेज द कमांडर सेज यस वी आर, एंड देन ही आस सो ये सब मीनिंगलेस है? सो ही सेज यस ये सब मीनिंगलेस है, देन वाई परस्यू इट? अब जो ट्रेडर जो हीरो ज़ीरो खेल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी यही सेम चीज कर रहे हैं कि भाई बन गया तो पैसा आ गया, नहीं आया तो ज़ीरो में गया। और कभी कभार तो वो सब कुछ लेवरेज कर देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं होता है, सारा ही लगाते हैं तो क्या ही मतलब रहा, ठीक है? तो ये उसी डायलेमे में आ गया। अगर तुम्हें पैसा ही ज़ीरो करना है हीरो ज़ीरो खेल के, तो ट्रेड करी क्यों रहे हो? लॉटरी की टिकट लो, उसमें जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, टिकट भी सस्ती पड़ेगी, तुम्हारा लगाव भी नहीं रहेगा, तुम्हारा एडिक्शन भी नहीं रहेगा कि रोज़ 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 ट्रेड करके या हर थर्सडे हर एक्सपायरी पे ट्रेड करके पैसा कमाओ। What is the meaning of that? そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。तो यहाँ से बहुत ही important question पे आ गए। अगर trading ही meaningless है, अगर ये पूरा जुआ ही है, तो हमसे पहले या हमारे बाद जो भी आएंगे या हमसे पहले जितने भी बढ़िया से बढ़िया ट्रेडर बन के आए हैं, उन सब का प्लानिंग का, स्ट्रेटेजी का और उनके रिसर्च का मतलब क्या रहा? और यहाँ पे मैं ये बुक निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो ये जितने भी ट्रेडर जो जिसने ये लिखी है किताब, उसका मतलब क्या था ये सारा लिखने का? इतनी बड़ी किताब, इतनी मोटी किताब, अपने पूरे पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस को एक किताब के अंदर डालने का मतलब क्या था? अगर पैसा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हीरो ज़ीरो ट्रेड से ही आ जाता, विजार्ड विजार्ड ऑफ ट्रेडिंग करके जो बुक है, ठीक है, उसके अंदर इतने सारे ट्रेडर्स का एग्जांपल है। क्यों हैं वो सारे? अगर हीरो ज़ीरो ट्रेड करके ही ट्रेडर बनना था, अगर बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडर बनना था, तो उन सब ने ये किताबें क्यों लिखी, अपने इंटरव्यूज क्यों दिए? सोचो। नो दे वरंट। इट इज़ अस हु गिव द मैम गिव दैम द मीनिंग, ठीक है? जब इसमें इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा ले रखा है, लाइक जो सोल्जर्स मर गया, अगर उनकी लाइफ मीनिंगलेस थी तो मीनिंग क्या रहा, लड़ने का मीनिंग क्या रहा? बट मीनिंग वहाँ से नहीं है, मीनिंग का जो मीनिंग डिराइव जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वो हमारी मेमोरी से हो रहा है। वन हु इज़ अलाइव, वन हु इज़ अलाइव, सो दैट्स वाई ये चैनल का जॉनरे जो है वो अलग है, ठीक है? बिकॉज चैनल्स बिजी हो सकते हैं तुम्हें ट्रेडिंग कोर्सेज बेचने में, चैनल बिजी हो सकते हैं तुम्हें ट्रेडिंग टिप्स देने में, बट तुम्हारी साइकोलॉजी की बिल्डिंग ट्रेडिंग में जो चाहिए वो इस चैनल पर हो रही है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को पहले। तो यू कैन द शो अवर इन द शो ओमो कुतुगा देखिर नो
聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。 So the only way to go through it, go about trading is to rebel against the cruel world. The cruel world के अंदर कौन कौन include है? जो ये tips देने वाले होते हैं, जो ये टेलीग्राम पे कोर्सेज बेचने वाले होते हैं. कोर्सेज से देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. कोर्सेज से तुम्हें लर्निंग मटेरियल बहुत जल्दी मिल जाएगा, बट अगर तुम उसके ऊपर स्टक रह जाओगे तो तुम्हारी दिक्कत है. तो तुम्हें इस चीज़ को फाइट करना है. तो मेन दिक्कत मेरे को कोर्सेज के साथ क्या है कि जो दे रहा है कोर्स उसकी उसके साथ कोई दिक्कत नहीं, बट जो ले रहा है कोर्स, ठीक है, जो कोर्स में सीखने के लिए आ रहा जो स्टूडेंट है वो गलत चीज़ सीखता है. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इसकी गलती टीचर की भी है, ठीक है. कैसे? जो सीखने आ रहा कोर्स वो ट्रेडिंग के बारे में या ट्रेडिंग के थ्योरी के बारे में कुछ सीखने नहीं आ रहा है. वो इस पर्पज से जा रहा है, अगर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया तो साइड बाय साइड मेरी इनकम शुरू हो जाएगी और मैं कुछ दिन में इस कोर्स का पूरा पैसा निकाल लूँगा ट्रेडिंग से, जो मैं इस कोर्स से सीखूँगा. एंड दैट इज़ अ वेरी बैड वे ऑफ गोइंग अबाउट ट्रेडिंग. तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट ट्रेडिंग. अब जैसे हम इंजीनियरिंग में जाते हैं, ठीक है, या डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, बहुत ही घिसा पिटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इन्हों तो पहले दिन की किताब पढ़ के एकदम से साइड में सर्जरी थोड़ी करने लग जाते हैं या दवाई देने लग जाते हैं. वी वेट, हम पूरा पढ़ते हैं, पूरी सारे पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, सारे एंगल देखते हैं, देन हमें ट्रेनिंग में भेजा जाता है. फिर वहाँ भी जब हम सही करते हैं फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन आता है. सेम थिंग लॉयर्स में होता है. पहले तुम पढ़ते हो, ठीक है, पहले तुम लॉ की डिग्री करते हो, फिर बार का एग्ज़ाम क्लियर करते हो, उसके बाद जाके तुम एडवोकेट बनते हो. सेम चीज़ ट्रेडिंग में होती है. पहले तुम पढ़ते हो, पहले बैचलर्स करते हो, फिर मास्टर्स करते हो, फिर एमफिल करते हो, फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हो, फिर बार का जो बार एज इन जो इसके अंदर एग्ज़ाम कमेटी है वो देते हो, फिर वहाँ से जाके तुम साइकोलॉजिस्ट बनते हो. तो इसका पूरा प्रोसेस है. तो कैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अगर तुम एक ट्रेडिंग का कोर्स कर लेते हो उसके बाद तुम्हें अगले दिन समझ आ जाएगा? और फिर इसी चक्कर में ये फंस जाते हैं कि अच्छा अगर एक ट्रेडिंग कोर्स नहीं हुआ, अब इसका ट्रेडिंग हो, इसका नहीं हुआ तो इसका ट्रेडिंग कोर्स. भाई थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, बट यू आर नॉट फाइटिंग विद द रियल एनिमी. जो साइकोलॉजी बिल्डिंग होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो एंड जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस करना है. दैट इज़ द थिंग विच विल टेक यू फॉरवर्ड इन ट्रेडिंग. द लॉन्गर यू प्ले देन यू विल रियलाइज कि कैसे होती है ट्रेडिंग, ठीक है. अपने आप मार्केट सिखा देगा बिना किताब पढ़े, अगर बस तुम्हारे पास इतना पेशेंस है कि तुम इतने लंबे टाइम तक टिक पाओ और अपने कैपिटल को तुम्हें बचाना आता हो इतने लंबे टाइम तक, तो अपने आप ट्रेडिंग सीख जाओगे. तुम मार्केट सिखा देगी तुम्हें. देशियों इकरे, देशियों साकेबे, ऐसे हो तटके.